मैडम आपके सर दर्द की दवा ले आया। रख यार, ले रही हूँ। यार सर फटा जा रहा है आज हमारा। मेरा भी सर फटा जा रहा है। तुम तीनों यहाँ से तबादला ले लो, ढंग के लोग आएंगे तो शायद स्ट्रेस कम हो हमारा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। लीव दिस टॉपिक। नमस्ते मैडम। मैडम हम गायक है, शो मस्ट गो ऑन। गायक है तो गाना सुनाइए। देखिए मैडम, हम खानदानी गायक है, इज्जतदार घराने से आते हैं। हम लोग यहाँ वहाँ कहीं पे गाते नहीं हैं, शो मस्ट गो ऑन। क्यों मॉडर्न जाकिर? जी गुरुजी, मैडम को साष्टांग प्रणाम। मैडम आपने इन्हें पहचाना नहीं, आप हैं मशहूर गायक पंडित खिलवाड़ शास्त्री। तिकर तिकर धा। और मैं हूं इनका तबलची मॉडर्न जाकिर। तिकर तिकर धा। तो यहां के आपने शो की टिकट बेचने आए हो? बेचने? मैडम शायद आपको पता नहीं कि अगले हफ्ते ये पुलिस वेलफेयर के लिए जो शो होने जा रहा है उसमें हम परफॉर्म करने वाले हैं। शो मस्ट गो ऑन। क्यों मॉडर्न जाकिर? जी गुरुजी, मैडम होता क्या है कि जब हमारे गुरुजी रियाज करते हैं तो उनके ठेके के बीच में कोई मुर्की दे रहा है, तिकर तिकर धा। ओहो महाराज, ठेका मुर्गी तो कमाल ही हो गया। अरे चुप हो जाओ, रात पी लो। अरे ठेका मतलब वो ठेका नहीं, तबले का ठेका, और मुर्गी नहीं मुर्की। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। देखो यार, जो भी बात है, दिन है कि रात है, मुंह है या दांत है, फटाफट मैडम के सामने बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का अमरूद पक गया और गुस्से की डाल से टपक गया तो हमारी मैडम एक नंबर की खोलते पानी में बिलबिलाती लेडी मगरमच्छ। मेरा मतलब है सुलगते तंदूर में सुलगती राक्षसनी। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? गुस्सा तो हमें भी बहुत आता है जब वो कुत्ता भौंकता है, चिकर चिकर धा। कौन कुत्ता? हमारा पड़ोसी। आपका पड़ोसी कुत्ता है? नहीं नहीं, वो तो इंसान है। इंसान कुत्ता है? अरे नहीं यार। तो क्या मतलब कुत्ता इंसान है? अरे शाबाश, खुद तो भगवान से भूल हुई तब ये हुआ, भूला। अब वैसे दुनिया को जो है कंफ्यूजन करने में लगा हुआ है। बोलो यार, तुम अपना मैटर क्लियरली बोलो, वरना निकलो यहाँ से, अपना बाहर लेके जाओ, बाजा कहीं बजाओ। मामला ये है मैडम के ये अगले हफ्ते जो शो होने जा रहा है पुलिस वेलफेयर के लिए, तो उसमें हम परफॉर्म करने वाले हैं, तो उसकी वजह से हम रोजाना 2 घंटे रियाज करते हैं, सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक। शो मस्ट गो ऑन। क्यों मॉडर्न साकिर? जी गुरुजी। और मैडम जिस समय हमारे गुरुजी भौंकते हैं, मॉडर्न साकिर, क्षमा क्षमा गुरुजी क्षमा, मेरा मतलब जिस समय हमारे गुरुजी गाना गाते हैं उसी समय वो कुत्ता भी गाता है, मॉडर्न साकिर। क्षमा गुरुजी क्षमा, फिर से क्षमा, मेरा मतलब मैडम उसी समय वो कुत्ता भी भौंकता है और पूरे 2 घंटे लगातार भौंकता है, जिससे हमारे गुरुजी गाना नहीं गा पाते और मैं इनके साथ तबला नहीं बजा पाता, तिकर तिकर धा। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मैडम वहां जाके उस कुत्ते को लोरी गा के सुलाए? शाबाश, चल निकल यहां से। अबे कुत्ता है वो जब चाहे भौंके, उसकी जब जी में आए वो भौंके। वो कुत्ता भौंक रहा है, तुम्हारा रियाज नहीं हो रहा है, कोई क्रिमिनल केस है, और निकला हट। नाराज मत होइए मैडम, हमें पता है कि ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है। और वैसे भी हम कुत्ते के खिलाफ FIR लिखवाने नहीं आए हैं, हम तो कुत्ते के मालिक के खिलाफ FIR लिखवाने आए हैं, क्योंकि जब भी हम रियाज कर रहे होते हैं तब वो अपने कुत्ते को भौंकने के लिए कहता है, जिसकी वजह से हम थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक से रियाज नहीं कर पाते। ओ, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारा ये जो नेबर है यानी कि कुत्ते का मालिक, ये सब जानबूझ के कर रहा है? हाँ बिल्कुल जानबूझ के कर रहा है हमें लग रहा है, क्योंकि आपको तो पता है कि अगले हफ्ते पुलिस वेलफेयर के लिए जो शो होने जा रहा है उसमें हम परफॉर्म करने वाले हैं, और अगर इसी तरह कुत्ते भौंकते रहे हमारे रियाज के दौरान तो हम वहाँ पे परफॉर्म कैसे करेंगे अच्छी तरह से? अच्छा
पुलिस वेलफेयर की बात है तो करते हैं हम कुछ। बुलवाओ जरा कुत्ते के मालिक ने। धन्यवाद मॉडर्न जाकिर। अरे इनको खाली करो जरा, कर्कश बाणी है इनकी, पता नहीं गाते कैसे होंगे, सर दर्द और बढ़ गया हमारा। सुनाते हैं आपको कुछ। नदिया किनारे मोरा गा, नदिया किनारे मोरा गा। लगता है यहाँ पे भी पड़ोसी आ गए हैं। आओ मॉडर्न जाकिर। अरे फुलबरिया से कागा उड़ भागा, मोरा सैया भागा न जागा। Well, mom, she is कुत्ते का मालिक is the, and he is her wife is the. हाँ भाई, क्या लगा रखा है? माथे पे बिंदिया, होठों पे लिपस्टिक, गालों पे रूस, आंखों में काजल, हाथों में चूड़ी, पाँव में पायल, बालों में गजरा, सब लगा रखा है। मैंने कमर पे पेटी, पेटी में होल्स्टर, होल्स्टर में बंदूक, बंदूक में 6 गोलियां, सब लगा रखी हैं। अरे अरे मैडम, आप तो बुरा मान गई, वो अकेला। बाओ बाओ। वाओ, इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इज द, तुम जल्दी दे दो अपना अपना इन्फेक्शन इज द। इंट्रोडक्शन या दिस वन। मैडम मैं कचौड़ी हूँ। क्या बात करिए आप, कचौड़ी हैं? अरे कचौड़ी तो मेरी फेवरेट है। वैसे कौन सी कचौड़ी है आप, आलू की या प्याज की? ना आलू की ना प्याज की, मेरा नाम है कचौड़ी, कचौड़ी कुलश्रेष्ठ, 18 की होने वाली हूँ। और मैडम मैं हूँ मिस्टर कुलश्रेष्ठ, वो अकेला। बाओ बाओ। वो अकेला होगा लेकिन हम यहाँ बहुत सारे हैं। अपनी आंखें फाड़ के, पुतलियां बाहर निकाल के, पलकों की छतरी खोल के, इनको घूर घूर के देख के, बोलो इनको पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? अरे ये तो हमारे पड़ोसी है, सिंगर गायक है, ये यहाँ पड़े हुए हैं। अरे मैडम पता है ये बहुत फेसुरा गाते हैं, इतना बेसुरा गाते हैं कि प्रशांत बुरा मान जाता है। वाला, who is the प्रशांत is the? मैं हूँ चौकी का रजनीकांत is the। हाय हाय। दादाजी प्रशांत हमारा कुत्ता है, 18 की होने वाली हूँ। मतलब आपका टॉमी? अरे टॉमी तो मेरे पति का नाम है, टॉमी कुलश्रेष्ठ। टॉमी माय सेल्फ, वो अकेला। बहु बहु। वाह वाह वाह, मजा आ गया। मतलब मालिक का नाम है टॉमी और कुत्ते का नाम हो रहा है परसान, वेरी नाइस। तो देखो भाई ऐसा है मिस्टर टॉमी कि ये जो है तुम्हारे पड़ोसी हैं और ये है गायक महोदय। अब भाई इनका ये प्रॉब्लम है कि ये रियाज वियाज करते हैं अपना, तो सवेरे के वक्त रियाज करते हैं। अब जब टाइम पे सवेरे में मॉर्निंग टाइम में ये रियाज कर रहे हो गए हैं तो तुम्हारा जो कुत्ता है वो भौंकता है, और ऐसा भौंकता है, ऐसा भौंक देवे कि ये बेचारे जो है इनके रियाज में पड़ जावे अड़चन, इसलिए ये कंप्लेंट लिखाने आए। अरे गुरुजी, गुरुजी आपको याद है इन्होंने आपके पीछे एक बार कुत्ता छोड़ दिया था और आप सिर्फ 8 किलोमीटर आधे घंटे में दौड़ गए थे। तिकर तिकर धा। आए आए। देखा देखा मैडम, दरअसल बात ये मैडम कि हम यहाँ खुद आने वाले थे FIR लिखवाने इनके खिलाफ। मैडम ये इतना बेसुरा गाते हैं कि हमारा डॉग जो है प्रशांत वो डिस्टर्ब हो जाता है मैडम। और हाँ मैडम, हमारा प्रशांत तो इतना शांत है, इतना शांत है, इतना शांत है कि क्या बताऊँ। पिछले हफ्ते हमारे घर में चोरी हुई, चोर सब लूट के ले गए, लेकिन मजा ले हमारा प्रशांत भोका हो। 18 की होने वाली हूँ। नाच चम्मो नाच।
नाच, आज तुझे नाच नाच के रंगा डाकू को खुश करना है। फिर तुझे इनाम दिया जाए। मैडम ये सब क्या हो रहा है मैडम? यहाँ मैं यहाँ अपनी बीवी को नचवाने के लिए लाया हूँ। अबे ऐसा है, देखो इसके फालतू सी बात है, इसमें जरा सा एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, है आराम से तुम घर बैठ के भी निकाल सके थे इसको। जब यो महोदय बेचारे अपना रियाज कर रहे हैं मॉर्निंग टाइम में, उस समय तुम अपने कुत्ते ने घुमाई लाओ गई। मैडम उस वक्त तो इनके झाड़ू निकालने का टाइम होता है। वाओ 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 वाओ। और मेरा सजने सवरने का उठना की होने वाली हूँ। तो ठीक है ना। अब एक काम गुरुजी, आप एक काम कीजिए, आप जरा शाम को रियाज किया कीजिए और तुम उस समय अपने कुत्ते को घुमा लिया करो। वाह, अरे मैडम उस वक्त तो इनके बर्तन मारने का टाइम होता है और मेरे सजने सवरने का। Well, किसी को तो पड़ेगा कुत्ते को घुमाना इसदा, मैं हूँ लप्पी का दीवाना इसदा। हाय हाय। मैडम देखिए एक बात बोलूं, मैडम देखिए प्रॉब्लम इनको है हमारे कुत्ते के भौंकने की, तो आप इनसे कहिए कि यही कोई इंतजाम कर दे हमारे कुत्ते प्रशांत को घुमाने के लिए। वो अकेला है। बाव बाव। अरे यो घुमा लाएगा ना झुआ है, यो घुमा लाएगा कुत्ता, इनका असिस्टेंट झुआ यो। हाँ तू घुमा ला। अरे अरे मैम, अरे मैडम हम कुत्ता घुमाए? अरे हम तो इनको भी ना घुमाए। अरे गुरुजी इतने साल मैंने तबला सीखा है, कैसे लिए कि कुत्ता घुमाऊं? तिकड़ तिकड़ धा। अरे घुमा ला, कुत्ते को भी लगेगा कि अपने भाई के संग टहलने जा रहा हूँ। अरे मॉडर्न जाकिर, मैडम सही कह रही है, घुमा ला कुत्ते को, रियाज हो जाएगी। तो भाई कुत्ता झुआ घुमाएगा, केस सॉल्व। ओके जो कुत्ते को घुमाने ले गया था। Well, why the you try is the? क्या कुत्ते को घुमाना किया तूने ट्राई इज द? ये नया है, करो मालिक। किया था और उसने मुझे काट खाया जब मैं उसे घुमाते वक्त अपने मुंह से तबले का रियाज कर रहा था, तभी वो बुरा मान गया होगा। अब आप लोग ही बताइए कि अगर ये मॉडर्न जाकिर जी कुत्ता घुमाने नहीं ले जाएंगे तो और कौन ले जाएगा? शो मस्ट गो ऑन। अब आप लोग ही बताइए कि अगर ये मॉडर्न जाकिर जी कुत्ता घुमाने नहीं ले जाएंगे तो और कौन ले जाएगा? शो मस्ट गो ऑन। और अगर कोई नहीं ले जाएगा उस कुत्ते को घुमाने के लिए तो हम अपनी रियाज कैसे करेंगे? पर हमसे अगर रियाज नहीं हुई तो आपका वो पुलिस वेलफेयर फंड का प्रोग्राम है वो तो हो ही नहीं पाएगा। शो मस्ट गो ऑन। अबे ऐसे कैसे नहीं गाओगे? पुलिस वेलफेयर फंड के प्रोग्राम में ना गाओगे तो पुलिस डिपार्टमेंट की तो बदनामी हो जाएगी ना भैया। ऐसा है, आपको बहुत ज्यादा फिक्र है ना पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत की, तो आप कुत्ता घुमाने चले जाओ बस। हम कैसे घुमाएंगे? हमें तो कुत्ते के नाम से ही डर लगता है भैया। वेल सर, आप तो निकले डरपोक इसदा, हसीने मुझे लेती हैं घर पे रो किसदा। आप सर देखिए सर, अब सर किसी को तो घुमाना पड़ेगा ना कुत्ता सर, कोई तो घुमाएगा वरना केस कैसे सॉल्व होगा सर? मैं सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घुमा दूंगा सर, लेकिन प्रॉब्लम खाली ये है इधर के कुत्ते मुझे देख के जरा चिड़चिड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो। डरपोक तुम सब डरपोक हो इस चौकी में हमारे अलावा, और अगर हमारे अलावा कोई बहादुर है तो सिर्फ बिल्लू। भूला बिल्लू घुमाएगा कुत्ते को। कौन बिल्लू? यहाँ
दस बारह बिल्लू है। बिल्लू घुमाएगा कुत्ते को। ओके हो गया, डन कंफर्म, बाय, सी यू। ओके ठीक है, तो शो मस्ट गो ऑन। धिगड़ धिगड़ धा, आई धा धा धा। सर इतने डरपोक निकलेंगे ऐसा मुझे पता नहीं था। Well, मौत को करते हैं इनफॉर्म इज द, शायद इससे निकला ही उनका कोई काम इज द है। हाँ गुड आइडिया। ये क्या कर रहे हैं? अबे तो हो गई ना। चल क्या काम पकड़ा दिया मुझे, कुत्ता घुमाओ कुत्ता घुमाओ। समझ में नहीं आ रहा, एक तो ये मुझे घुमा रहा है कि मैं इसको घुमा रहा हूँ, काटे का क्या लड़की को। ए प्रशांत बहुत हो गया तेरा नाटक, कहाँ तक घुमाऊँ इसको मैं। मोहन मोहन सुनता नहीं है क्या, कान खराब है तेरे? इसलिए रखा मैंने तुझे नौकरी पे कि दिन भर तू मुझे जबान दिखाता रहे यहाँ, हैं? इस चीज की पगार ले रहा है तुम मुझसे, इस बात की चाय ले क्या मेरे लिए, चाय ले क्या, चाय ले क्या, जा चल चल चाय ले क्या, वरना तेरी सारी पगार काट लूंगा मैं, इसके बाद में मेरे सामने दिखना नहीं तो पूरी तनख्वाह तेरी उड़ा दूं। ये मेरा घर है, कोई गार्डन है क्या, ये घूमने की जगह, ये घूमने की जगह। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है तू, कमिश्नर के साले, ये काम ढंग से ना होता जरा से, ये काम कुत्ता घुमा दिया तेरे। देखिए मैडम आप कुछ भी कीजिए मैडम, लेकिन कहीं से भी मेरे कुत्ते प्रशांत को ढूंढ के लाके हमें दे दीजिए मैडम, वो अकेला है। वाह वाह, देखिए आप तो चुप ही रहिए, कुत्ता मिले या ना मिले हमें तो हमारे 10 लाख चाहिए। 18 के होने वाली हूँ। 10 लाख? कौन से 10 लाख? कैसे 10 लाख? हाय हाय, अरे वही करकरारे 10 लाख के नोट जो हमने हमारे कुत्ते पे खर्च किए हैं। हाँ नहीं, 18 के होने वाली हूँ मैडम। किसने, किस अकलमंद आदमी ने भेजा था इस बिल्लू को कुत्ता घुमाने? Well, mom, सर ने दिया था ऑर्डर इज द, मेरी बीवी लगाती है बहुत पाउडर इज द। आपको छांट के और कोई ना मिला है जो इसे भेज दिया, एकदम अकलमंद एकदम शार्प याददाश्त वाले को भेज दिया कुत्ता घुमाने। नेचुरल, हमने तो कुत्ते की याददाश्त के भरोसे बिल्लू को भेजा था। होने वाली हूँ। जीजू आ गए, जीजू आ गए, जीजू आ गए। जीजू मैं ना ये इनका कुत्ता लेके गया था घुमाने, तो पता नहीं कुत्ता कहीं चला गया क्या पता नहीं, तो दीदी ने बोला कि आप इनको पैसे दे दो, ये पैसे मांग। हाँ हाँ दे देंगे, टेंशन मत लो बेटे, टेंशन मत लो। आप ही कितने पैसे हुए, 5,000-10,000 अभी ले लो। 10 लाख? 10 लाख? 10 लाख? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, पागल हो गए हो? ठीक है फिर हम कोर्ट जाएंगे। दे दो ना जीजू, फिर कोर्ट वोट जाएंगे फिर बात बढ़ जाएगी। एक पैसा नहीं दूंगा मैं, समझ गए? दे दो ना जीजू, मैं तो ड्यूटी कर रहा था ना, खुद हो जाती है गलती, सर ने भेजा था मुझे कुत्ता घुमाने। तो फिर सर देंगे पैसा? सर हम तो खुद उधार पे जी रहे सर। लेकिन सर घुमाया तो बिल्लू नहीं है ना, बिल्लू को ही देने चाहिए सर। ठीक है, 5 लाख इंस्पेक्टर पांडे दे देंगे, 5 लाख आप दे दीजिएगा। लीव दिस टॉपिक। नहीं 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 नहीं, 4 लाख मिस्टर पांडे देंगे और 4 लाख आप दे दीजिएगा और 2 लाख गोपी तुम दोगे, और अगर पैसे नहीं देने हैं तो कुत्ता ढूंढो कुत्ता। हाँ तो कुत्ता ढूंढ लेंगे ना फिर। For more updates, subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.